वेलकम बैक गाइस, टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन सेल बायोलॉजी इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सो लेट अस स्टार्ट। सो द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द ईआर, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्ट में ईआर भी बोल सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। तो ईआर के पास में ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होते हैं, इस तरीके से, चाहे ये है चाहे ये है, फोल्डेड ट्यूब्यूल्स हैं, ये फोल्डेड हैं, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हैं। इट बेसिकली अ लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड शीट्स बाउंड बाय द मेम्ब्रेन। ये जो इसके अंदर ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, तो इस तरीके से जो ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी इम्पोर्टेंट बात है याद रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंड होता है और ट्यूब्यूल्स बनते हैं इसमें और शीट्स बनती हैं, बाउंडेड बाई मेम्ब्रेन। सो ये ट्यूब्यूल्स हैं और ये वाली शीट्स हैं। सो अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम देखें कि किस तरीके से ये बनता है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। सेल के अंदर ये बीच में हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर बाहर इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स बनने शुरू होते हैं, इस तरीके से, और ये फोल्ड होते हैं इस तरीके से। ये फोल्ड हो के अपना ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, बोथ द साइड्स भी हो सकते हैं, एक साइड पे भी हो सकता है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बनता है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो न्यूक्लियस के जो जस्ट साइड में होता है वो हमारा होता है ईआर, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक। ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के जस्ट बाउंडेडली, अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये जस्ट बाउंडेडली है प्रेजेंट किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। सो अगर इसको हम जूम करके देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियस था हमारा, न्यूक्लियस के एग्जैक्टली मेम्ब्रेन के साथ बाउंडेड होते हैं हमारे ईआरस। ओके, सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये पोजीशंस हैं इसकी। सो ईआर इज़ कनेक्टेड टू न्यूक्लियस, ये सेकंड पॉइंट हमारा स्ट्रक्चर के साथ क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें फर्दर हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईआर इज सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो इस तरीके से हमने देखी थी कि ये इस तरीके से मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, और ये इनको हमने देखा था, इनको क्या बोला हमने, इनको बोला हमने बाई लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। लिपिड मॉलिक्यूल्स की बाई लेयर थी, बीच में इस तरीके से ये हमारा प्रोटीन का मॉलिक्यूल था, ठीक है, जिसे हम जर्नली अगर हम कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो इसको हम पोरिन बोल देते हैं। तो ये एक प्रोटीन था और ये हमारी लिपिड्स थे, यानी फैट के मॉलिक्यूल्स। ओके, सो द स्ट्रक्चर ऑफ ईआर इज सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइक इट कंटेन्स लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो ये जो हमारी मेम्ब्रेन होता है, हमारा जो ईआर होता है, वो लिपिड एंड प्रोटीन्स के जैसे ही की मदद से ही बना हुआ होता है। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम फंक्शंस देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है इट प्रोटीन सिंथेसिस। सो ये क्या करता है हमारा ईआर, पहला क्या बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है, और प्रोटीन्स क्या है, बिल्ड वेरियस सेल्स ऑर्गेनेल्स। तो प्रोटीन को हमने क्या बोला जाता है, प्रोटीन को बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक। आप हमेशा से पढ़ते आए प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक। तो कोई भी सेल बनाना हो, उस सेल बनाने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, और वही आपने देखा होगा जनरली सब कहते हैं कि प्रोटीन बनाओ, मसल बनाओ। तो वो क्या हो रहा है एक्चुअल में, प्रोटीन की वजह से क्या बन रही हैं, सेल्स बन रही हैं, और सेल्स के अंदर क्या बन रहे हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बन रहे हैं। ओके, और वो सेल ऑर्गेनेली के लिए, जो सेल के लिए प्रोटीन चाहिए, वो प्रोटीन बना कौन रहा है, ईआर। ओके, नेक्स्ट इज लिपिड सिंथेसिस टू बिल्ड एंड रिपेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी आउटर मोस्ट लेयर को बनाने के लिए, और अगर उसमें डैमेज हो गया है तो उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए जो लिपिड मॉलिक्यूल की ज़रूरत है, वो लिपिड मॉलिक्यूल भी कहाँ से आएगा? ईआर से ही आएगा। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। अगर किसी मटेरियल का समहाउ ट्रांसपोर्ट करना पड़े तो वो भी हम किससे करते हैं? ईआर से। फॉर वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज़, कोई भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ है, चीज़ें हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, वो फुलफिलमेंट भी कौन करता है? ईआर करता है। सो लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमारे पास दो टाइप हैं, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं आर ई आर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं एस ई आर। और अगर डायग्राम के हिसाब से देखें तो यहाँ पे ये जो थी चीज, जिसे हमने क्या बोला था, शीट्स, जो शीट्स हैं दे आर आर ई आर, एंड दीज ट्यूब्यूल्स ट्यूब्यूल्स आर एस सी आर। क्लियर? सो आगे हम फर्दर इसकी डिफरेंसेस पढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ये पार्ट था, ये क्या है? राइबोसोम्स अटैच टू द सरफेस। अभी आपको ये टाइनी टाइनी पार्टिकल्स दिख रहे हैं, जो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पूरे के ऊपर जो ये डॉट डॉट्स हैं, ये एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में हमारा राइबोसोम, राइबोसोम। अभी राइबोसोम क्या करता है? यही है, राइबोसोम्स आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री। तो प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है हमें किनको? राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स एम्बेडेड हैं, एम्बेडेड मतलब चिपके हुए हैं किसके ऊपर? आर ई आर के ऊपर, आर ई आर। और इसकी वजह से ये आर ई आर इसके ऊपर चिपक जाते हैं, इसकी वजह से इसका जो सरफेस होता है वो रफ हो जाता है, और इसीलिए इन शीट्स को बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो राइबोसोम्स अटैच टू द सरफेस इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो हमने पीछे पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन और लिपिड्स बनाता है, तो प्रोटीन बनाने का काम है आर ई आर के पास। नेक्स्ट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ये ट्यूब्यूल्स थे। अब ये स्मूथ क्यों है? क्योंकि एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, इनके पास में कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं। तो राइबोसोम्स अटैच नहीं है तो इनके सरफेस स्मूथ हो जाता है। नो राइबोसोम्स अटैच्ड टू द सरफेस इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस। तो ये क्या सिंथेसाइज करता है? लिपिड्स यानी फैट मॉलिक्यूल्स बनाता है, लिपिड मॉलिक्यूल्स बनाता है कौन? हमारा एससीआर। सो यहाँ से हमें क्लियर हो गया। सो ये डिफरेंसेस है हमारे आर ई आर एंड एस सी आर के बीच में। सो आई होप ये डिफरेंसेस आपको याद रहें। सो क्विकली हम इसको रिवाइज कर लें। तो फंक्शंस ऑफ ई आर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? फंक्शंस, पहला ये प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है किसके अंदर? हमारे ई आर के अंदर। उसके बाद में सेकंड जो होता है, ये हमारे लिपिड्स बनाता है, लिपिड सिंथेसिस होता है, और इन दोनों की मदद से हमारी क्या बनती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिंथेसाइज करता है, ठीक है, बनाता है कौन? ईआर। अब सिंथेसाइज करेगा तो इस प्रोसेस को कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंथेसाइज का जो फंक्शन ईआर करता है वो हमारा कहलाता क्या है? दिस इज नोन एज बायोजेनेसिस। सो बायोजेनेसिस का मतलब होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बनाना, और बनाता कौन है? वो हमारा ईआर। जो फोर्थ इसका जो फंक्शन था वो था ट्रांसपोर्टेशन का। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज, किसी की अगर ट्रांसपोर्टेशन करनी है, किसी अंदर एक्टिविटी करवानी है, कुछ मॉलिक्यूल्स को इधर से उधर भेजना है, तो वो काम भी हमारा ईआर करता है। सो आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो एंड इट फाउंड टू बी हेल्पफुल फॉर यू।
सो फॉर दिस प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फेलो क्लासमेट्स एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू गाइज़.